ऑल सेट। हे गाइस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। फटाफट से आ जाइए और हम हमारा इकोनॉमिकल रिवीजन स्टार्ट करते हैं। मैं आप सभी को बता दूं कि चैप्टर नंबर 1 हमने ऑलमोस्ट आधा खत्म कर दिया है और आज हम लोग हमारा चैप्टर नंबर 1 फिनिश करने वाले हैं, ठीक है। और कल इसका क्वेश्चन आंसर सेशन रहेगा, ठीक है, जो आपके टेक्स्ट बुक के पीछे के जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन होते हैं ना, वो हम लोग कल डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको जो भी कोई डाउट्स होंगे चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड, फटाफट से लेकर आ जाना कल, ठीक है। मेरे साथ साथ पढ़ेंगे, रेडी रहेंगे डाउट्स के साथ। ऑल राइट, फटाफट से ज्वाइन हो जाइए सभी। यस, हेलो हेलो एवरीवन, जल्दी जल्दी से आ जाओ, आपके फ्रेंड्स को इन्फॉर्म कर दो। टेलीग्राम चैनल पे मैंने आपको लेक्चर्स की लिंक दी है, ठीक है। यस, चलो। और ओके, हेलो एवरीवन, चलो। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम लोग हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स में एंटर करने वाले हैं। और इस मैक्रो इकोनॉमिक्स में एज यूजुअल कोई भी क्वेश्चन आए, इंट्रोडक्शन पैराग्राफ चाहिए, मीनिंग का पैराग्राफ चाहिए, तो ये देखो, ये रहा हमारा इंट्रोडक्शन पैराग्राफ। द टर्म माइक्रो एंड मैक्रो कॉइन बाय नॉर्वेजियन इकोनॉमिस्ट रैगनर फ्रिस्क, इनको पहला नोबेल प्राइज मिला इंडिविजुअल फॉर्म प्रोड्यूसर की स्टडी करने को, बताया है इन्होंने माइक्रो इकोनॉमिक्स और एग्रीगेट इकोनॉमी को मैक्रो। मैडम ये तो हमने पढ़ा है कहीं पे, दुष्ट लोग ऐसा बोलोगे कि कहीं पे पढ़ा है, इसी चैप्टर में तो पढ़ाया था। चलो इधर दिखाती हूँ अभी, बस परेशान करना है ना आपने। ये देखो इधर, चैप्टर की स्टार्टिंग ही इसी से हुई है, चैप्टर की स्टार्टिंग ही तो इसी से हुई। डिक्टो है मैम, ये तो इंट्रोडक्शन पैराग्राफ माइक्रो और मैक्रो में। हाँ तो मैंने क्या बताया था, मैंने यही तो बताया कि कोई भी चैप्टर का इंट्रोडक्शन पैराग्राफ उस चैप्टर में आप कहीं पे भी छाप सकते हो, कोई भी क्वेश्चन में छाप सकते हो, थोड़ा सा रिलेवेंस होना चाहिए उसका, बस इतना ध्यान रखना, ठीक है। जैसे देखो, मैक्रो से रिलेटेड क्वेश्चन आया है तो ये वाला पैराग्राफ में डाल सकते हो, बिल्कुल डाल सकते हो। आप इकोनॉमिस्ट का नाम लिख रहे हो भाई, आप तो ये बता रहे हो कि उनको नोबेल प्राइज मिला है 1969 में, ठीक है। इन्होंने ये दो टर्म 1933 में दिए, 1969 में इनको नोबेल प्राइज मिला है। ये ऐसे पहले पर्सन थे जिन्होंने हमें ये बताया इंडिविजुअल फर्म प्रोड्यूसर को इनकी स्टडी को माइक्रो बोला जाता है और पूरे एग्रीगेट इकोनॉमी को मैक्रो बोला जाता है, यही तो बताया था इन्होंने। तो हम लिख सकते हैं माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये सारे इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं, हाँ या नहीं? यस। तो बढ़ते हैं आगे, अब हम हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स की तरफ, ठीक है। चलो, इंट्रोडक्शन पैराग्राफ पूरा सेम है, मीनिंग क्या होता है, इट इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मैक्रोस, ग्रीक वर्ड से डिराइव होता है मैक्रोस, एम ए के आर ओ एस। मैक्रो की स्पेलिंग क्या होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स की, एम ए सी आर ओ। और लैटिन वर्ड, ये जो सॉरी ग्रीक वर्ड है इसका स्पेलिंग क्या है, एम ए के आर ओ एस, ठीक है। जिसका मतलब होता है लार्ज अग्रीगेट टोटल, ये तीनों इसी के ही मतलब होते हैं, लार्ज पूरे टोटल इकोनॉमी की स्टडी करना, पूरे अग्रीगेट इकोनॉमी की स्टडी करना, ठीक है, ये सारे इसी के मतलब होते हैं। इट इज देयरफॉर स्टडी ऑफ अग्रीगेट्स, अरे बाबा मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज एन होल, पूरी इकोनॉमी की स्टडी करने को मैक्रो बोला जाता है और एक छोटे से पार्ट की स्टडी करने को माइक्रो बोला जाता है। तो हमने रट्टा हो गया हमें पढ़ पढ़ के, है ना, ठीक है। कवरिंग द एंटायर इकोनॉमी सच एज, जब जॉब होगी तो इनकम होगा, इनकम होगा तो कंजम्पशन होगा, कंजम्पशन होगा तो हम कुछ पैसा, हमने पैसा खर्चा करके गुड्स कंज्यूम किए हैं तो कुछ पैसा बच जाएगा, ऑटोमेटिकली सेविंग्स हो जाएगी। जब ये सेविंग बड़ी हो जाएगी हम उसमें उसे इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर देंगे, और जब ये इन्वेस्टमेंट में हमने ये इन्वेस्टमेंट हमारे बिजनेस में डाला तो हम ये कोई गुड्स प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। टोटल एम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम, टोटल कंजम्पशन, टोटल सेविंग, टोटल इन्वेस्टमेंट, नेशनल आउटपुट, पूरे इंडिया का आउटपुट, ठीक है। यस, ये जस्ट एक सीक्वेंस बताया मैंने यहाँ पे आपको लर्न करने का, है ना, ठीक। चलो बेसिक कंसेप्ट की तरफ मूव करते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में कौन से बेसिक कंसेप्ट है, क्या क्या टर्म्स हम पढ़ने वाले हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म जो आप हर एक चैप्टर में पढ़ोगे वो रहेगा नेशनल इनकम, ये वर्ड आना ही आना है। तब ये मत पूछना कि मैडम नेशनल इनकम क्या होता है, चलो आप एक बार अच्छे से थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। नेशनल इनकम मुझे बताओ, नेशनल इनकम क्या होता है, एनआई क्या होता है, नेशनल इनकम क्या होता है मैडम, पूरे नेशन की इनकम, पूरे नेशन की इनकम,
मतलब पूरे इंडिया की इनकम। अब ये इंडिया इनकम कैसे कमाता है? क्या इंडिया कहीं पे किसी के अंडर में काम करने के लिए जाता है क्या, जॉब करता है क्या? नहीं, इंडिया में रहने वाले लोग जो भी इनकम कमाते हैं उन सब की इनकम को हम टोटल कर देते हैं और बोलते हैं कि भाई नेशनल इनकम, अग्रीगेट इनकम, टोटल इनकम, पूरे नेशन की इनकम। ठीक है, तो इट मींस टोटल इनकम ऑफ द कंट्री, पूरे कंट्री, और कंट्री में कौन रहते हैं यार, वहां पे लोग रहते हैं ना, तो टोटल इनकम ऑफ द कंट्री। ठीक है, अब ये वाली लाइन अभी हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है, ये वाली पहले करते हैं। नेशनल इनकम की डेफिनेशन क्या है? इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम किससे बोला जाता है, ध्यान से सुनना। इट इज द टोटल, इट इज द मॉनिटरी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। इट इज द मॉनिटरी वैल्यू। देखो नेशनल इनकम है, पूरे इंडिया की इनकम है, ऑब्वियसली रुपीज के टर्म्स में होगा। जब वो रुपीज के टर्म्स में होगा तो वो, देखो अग्रीगेट मतलब टोटल, तोड़ते हैं ठीक है, अब हम पूरे उस डेफिनेशन को तोड़ते हैं। अग्रीगेट मतलब क्या होता है मैडम? टोटल, टोटल। मनीट्री वैल्यू मतलब रुपीज के टर्म में, रुपीज के टर्म में होगा, है ना। ऑफ ऑल मतलब मैम सारे, पूरा। फाइनल मतलब मैम एंड, फाइनल एग्जाम बोलते हैं हम, तो फाइनल वो हमारी लास्ट एग्जाम होती है, चलो ठीक है लास्ट। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज मैंने आपको बताया था, कभी ऐसे बोलोगे, कल ही तो बताया था। गुड्स क्या होता है? जिसका मटेरियल एग्जिस्टेंस है। सर्विसेज, मैं जो यहाँ पे आपको पढ़ा रही हूँ इसका मटेरियल एग्जिस्टेंस नहीं है, आप इसे देख नहीं सकते हो, छू नहीं सकते हो। ठीक है, तो गुड्स एंड सर्विसेज हमने पढ़ा। प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी, प्रोड्यूस मतलब प्रोडक्शन हो रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है एक इकोनॉमी में ड्यूरिंग अ ईयर। ओके, मतलब इसका मतलब मैम कि साल भर में, साल भर में, ठीक है, अप्रैल से, फर्स्ट ऑफ अप्रैल से मार्च तक, 31 मार्च तक, ये हमारा एक साल है, ठीक है, ये हमारा अकाउंटिंग ईयर है। तो इस अकाउंटिंग ईयर में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज इस ड्यूरेशन में प्रोड्यूस हुआ है, जो भी गुड्स, ये देखो मैं आपको यही साल में सर्विस दे रही हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, एक सब्जेक्ट, तो ये मेरी सर्विस हो गई। कुछ लोग गुड्स बना रहे होंगे, गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे होंगे, उनका हो गया गुड्स। जो भी गुड्स इंसान इस पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, उस सब की मनीट्री वैल्यू, मनीट्री वैल्यू, अग्रीगेट मनीट्री वैल्यू मतलब टोटल, उन सब की टोटल मनीट्री वैल्यू। तो कैसे बोलोगे? अग्रीगेट मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। मैडम फाइनल वर्ड क्यों बोला है? देखो आओ, कॉटन से शर्ट बनता है, ठीक है, कॉटन से शर्ट बनाते हैं जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती है। कॉटन क्या हो गया उनके लिए? रॉ मटेरियल हो गया, ठीक है, और जो शर्ट हो गया वो क्या हो गया? फाइनल गुड्स हो गया, फाइनल गुड्स, फाइनल गुड्स बोल लो, फिनिश गुड्स बोल लो, जो बोलना है बोल लो, है ना, दोनों सेम ही होता है। रॉ मटेरियल से फाइनल गुड्स बनता है, तो आप किसकी प्राइस लोगे नेशनल इनकम में? अच्छा मैडम, सिर्फ और सिर्फ शर्ट की प्राइस लेनी है क्या? हाँ जी, सिर्फ और सिर्फ शर्ट की ही प्राइस आएगी, क्योंकि अगर उस शर्ट में, अच्छा अगर आप शर्ट की भी प्राइस लोगे, कॉटन की भी प्राइस लोगे, तो ना डबल नहीं हो जाएगा, डबल काउंटिंग हो जाएगी, समझ में आ रहा है? तो नेशनल इनकम में हम क्या कैलकुलेट करते हैं? इट मींस अग्रीगेट मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, एक पर्टिकुलर साल में जितने भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं उन सब का मनी वैल्यू में एडिशन कर दो, वो हो गया है आपका नेशनल इनकम। ठीक है, अरे बाबा इकोनॉमी में गुड्स बन रहे हैं, बट वो नेशनल इनकम क्या हो गया? वो तो गुड्स की वैल्यू हो गई ना। इकोनॉमी में गुड्स बनेंगे किस हिसाब से बनते हैं? डिमांड के हिसाब से। मार्केट में जो भी डिमांड होगी वही गुड्स बनेंगे, वही गुड्स का प्रोडक्शन होगा, ऑलराइट। तो हम वही तो गुड्स, और हम इसीलिए जो भी गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं उन्हीं को ही हम लोग नेशनल इनकम में ले रहे हैं, क्योंकि उस गुड्स, वही गुड्स आप लास्ट में सेल होने वाला है, वही गुड्स की अल्टीमेट डिमांड है, तभी तो वो प्रोड्यूसर ने वही वाली गुड्स प्रोड्यूस की है। समझ में आ रहा है या नहीं? फटाफट से बता दो। तो नेशनल इनकम क्या हो गया है? यस, हेलो एवरीवन, हेलो।
तो नेशनल इनकम क्या हो गया, फटाफट से बता दो मुझे। नेशनल इनकम इट इज द मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। ऑलराइट, ठीक है मैम, नेशनल इनकम तो हमें समझ में आ गया है। सेविंग क्या होती है? बेस्ट एग्जाम्पल, हमारे डैडी हमारे मम्मी को कुछ हाथ खर्चे के लिए देते हैं, ठीक है, कुछ पार्ट वो हर मंथ फिक्स देते हैं, ठीक है। तो हमारी मम्मा क्या करती है उसमें से, इस तरह से उनके कैलकुलेशन ऐसे होता है। मान लीजिए आपके मॉम डैडी ने आपको, आपके मॉम को एक फिक्स अमाउंट दिया है, ठीक है, मान लीजिए 20,000 वो हर मंथ देते हैं, तो उसमें से इतना पैसा वो इस ये काम के लिए रखेंगे, इतना पैसा ये काम के लिए रखेंगे, इतना पैसा ये काम के लिए, बचा हुआ पार्ट बच गया, ये वो खर्चा नहीं कर रही है। जो बचे हुए पैसे है ना, मम्मी हमारी खर्चा नहीं कर रही है, ये पैसे बच गए हैं। या फिर आप ऐसा बोल दो कि ये जो पैसा है ये मम्मी ने साइड निकाल के रख दिया है। इट इज अ सेट असाइड इनकम, इनकम विच इज सेट असाइड, ऐसा इनकम जो अलग से साइड में निकाल के रख दिया है टू सेटिस्फाई फ्यूचर नीड्स, फ्यूचर की नीड सेटिस्फाई करने के लिए। ऐसा इनकम जो हमने अलग से निकाल के रख दिया, सेट असाइड कर दिया है फ्यूचर में नीड्स हमारी सेटिस्फाई करने के लिए। ये पैसा भाई सेविंग है, ये पैसा ना मुझे अभी खर्चा नहीं करना, आज खर्चा नहीं करना, ये देखो विच इज नॉट स्पेंड करेंटली ऑन कंजम्पशन, आज खर्चा नहीं करना, करेंटली खर्चा नहीं करना, करेंटली प्रेजेंटली दोनों टर्म्स ठीक है। ऑलराइट, इन्वेस्टमेंट क्या होता है? जब ये सेविंग्स बड़ी हो जाती है, ठीक है, जब हम सेविंग्स करते गए करते गए करते गए और एक बड़ा अमाउंट मान लीजिए 1,00,000 रुपए जमा हो गया। अब जब हमने ये 1,00,000 रुपीज हमारी मॉम ने जाके गोल्ड की ज्वेलरी खरीद ली, तो ये क्या हो गया मम्मी के लिए? इन्वेस्टमेंट हो गया। अरे आपकी मॉम के लिए तो गोल्ड की ज्वेलरी खरीदना इन्वेस्टमेंट हो गया ना, और हमारे लिए इन्वेस्टमेंट एक बड़ा टर्म है। इट रिफर्स टू द क्रिएशन ऑफ कैपिटल असेट। जब हम लोग कैपिटल असेट क्रिएट करते, ये पैसा हमने जो सेविंग्स की है, ये पैसे थे जब हम लोग हमारे बिजनेस में मशीनरी, प्लांट मशीनरी, ठीक है, इक्विपमेंट्स, बड़े बड़े मशीनरी, बड़े बड़े इक्विपमेंट्स खरीदते हैं, तो मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग। मैडम ये मोबिलाइजेशन मतलब क्या होता है? मोबिलाइजेशन मतलब होता है यूटिलाइजेशन। मोबिलाइजेशन मतलब क्या? अरे मोबाइल एक इधर से इधर जाता है ना, तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? यूटिलाइजेशन, ठीक है, सेविंग्स का यूटिलाइजेशन। तो इट रिफर्स टू क्रिएशन ऑफ कैपिटल असेट थ्रू मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स, और यही सेविंग्स का यूज करके हमने इन्वेस्टमेंट खरीदी, तो इसे हम क्या बोलेंगे? मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज योर ट्रेड साइकिल। ट्रेड साइकिल क्या होता है मैम? ट्रेड में साइकिल्स, ट्रेड मतलब मैम बिजनेस में या तो परचेज होता है या तो सेल होता है, इसे ही तो हम लोग ट्रेड बोलते हैं। ट्रेड मतलब क्या होता है? परचेज सेल, ठीक है। ट्रेडिंग मतलब, अरे ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज और सेल ही तो आता है ना, तो ट्रेड मतलब और सारे परचेज सेल से जितने रिलेटेड खर्चे वो सब आपके ट्रेडिंग अकाउंट में जाते हैं, अकाउंट सब्जेक्ट में। तो ट्रेड मतलब परचेज और सेल करना, ट्रेड साइकिल मतलब बिजनेस में जो भी हमारा बिजनेस है, ट्रेड साइकिल मतलब बिजनेस में ट्रेड साइकिल तथा फ्लक्चुएशन इन बिजनेस। ट्रेड साइकिल क्या है? साइकिल, बिजनेस की साइकिल। अरे जरूरी है क्या हर हमेशा आप प्रॉफिट ही कमाते रहोगे, कभी लॉस नहीं होता है? होता है ना, तो वो क्या होता है? ट्रेड साइकिल दीज आर, वो क्या होती है? फ्लक्चुएशन इन बिजनेस, दे आर अप्स एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन्स, ठीक है, इन द ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज। कुछ अप्स एंड डाउन्स होते हैं पूरे इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। बेटा ये एक बार मैं वापस से बता दूं, ये रिविजन लेक्चर्स है, तो थोड़ा सा फास्ट ट्रैक मोड में यहाँ पे मैं आपको कंसेप्ट समझा समझा के आगे बढ़ रही हूँ, एंड नोट्स भी दिया है ताकि जिस भी बच्चों ने अभी तक क्लासेस नहीं लगाई है उन सबको मैं मैक्सिमम सपोर्ट कर पाऊँ। ऑलराइट, तो पूरा फायदा लीजिए लेक्चर्स का, ठीक है, आप आपके फ्रेंड्स को बताइए, ठीक है। यस, अप्स एंड डाउन्स मीन्स, और ये अप्स एंड डाउन्स मतलब क्या होता है? इट मीन्स फ्लक्चुएशंस कॉज्ड बाय इन्फ्लेशन एंड डिप्रेशन रिस्पेक्टिवली। बिजनेस में अप कब होगा? अप्स एंड डाउन्स मतलब, अरे बाबा जब प्राइसेस बढ़ गई है या कम हो गई है, उतार चढ़ाव होना बिजनेस में, उसे ही बोलते हैं ट्रेड साइकिल। फ्लक्चुएशंस विच इज कॉज्ड बाय, अरे महंगाई जब बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तभी तो दिक्कत होती है, कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जब सारे गुड्स महंगे हो गए, इन्फ्लेशन आ गया, चलो इकोनॉमी में इन्फ्लेशन हो गया, गुड्स महंगे हो गए, गुड्स महंगे हो गए तो क्या हो गया? रॉ मटेरियल महंगा आएगा,
रॉ मटेरियल महंगा आएगा, तो जो गुड्स पहले 10 रुपए का बनता था आज वही गुड्स 15 रुपए में बनेगा। ये गुड्स 10 रुपए का गुड्स हम 12 रुपए में बेचते थे, 15 रुपए के गुड्स हम क्या 18 रुपए में बेच पाएंगे? नहीं बेच पाएंगे मैम, क्योंकि कस्टमर्स को तो आदत हो गई ना 12 रुपए में सस्ते प्रोडक्ट खरीदने की, वो 18 रुपए में कोई हमारे गुड्स नहीं खरीदेगा, हमारा सेल कम हो जाएगा, सेल कम हो जाएगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा। इन्फ्लेशन, अप्स एंड डाउन्स हो रहा है ड्यू टू इन्फ्लेशन, प्राइसेस बढ़ने के कारण इतना सारा सर्कल होता है, डिप्रेशन प्राइसेस कम होने के कारण अलग सर्कल है, ठीक है? तो ये ध्यान रखो। देखो यहाँ पे इन्फ्लेशन क्या होता है, इट इज द कंटिन्यूस राइज इन द जनरल प्राइस लेवल, जनरल जो भी इकोनॉमी में जनरल प्राइस लेवल है ना वो बढ़ जाना, उसे हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूस राइज इन द जनरल प्राइस लेवल, और उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन बोलते हैं, ठीक है? तो डिप्रेशन क्या होता है, कंटिन्यूस फॉल इन द ओवरऑल प्राइसेस, जब पूरे प्राइसेस फॉल होते हैं इकोनॉमी में, प्राइसेस गिरती जाती है चीज़ों की, तो बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है लोगों को, क्योंकि उन्होंने हैवी इन्वेस्टमेंट कर रखा है, ठीक है? एंड लोवरिंग डाउन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इन जनरल, अरे अगर ये 10 रुपए का पेन 2 रुपए में बिकना चालू हो गया तो फिर क्या आप वो गुड्स में इन्वेस्ट करोगे, क्या आप वो गुड्स बनाओगे, क्या आप वो गुड्स का प्रोडक्शन करोगे? नहीं मैम। फिर तो इट इज कंटिन्यूस फॉल इन द ओवरऑल प्राइसेस एंड लोवरिंग डाउन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, अरे बेटा अगर प्राइसेस कम हो गई ना तो लोग प्रोडक्शन करना कम कर देंगे, बंद कर देंगे, क्योंकि उससे उसको वो सामने वाले को वो गुड्स बना के कुछ फायदा ही नहीं हो रहा है ना, 1.5 रुपए में वो गुड्स बन रहा है, 1.5 रुपए में पेन बन रहा है, सिर्फ 0.5 50 पैसे के लिए कोई इंसान थोड़ी ना प्रोडक्शन करेगा, ठीक है? तो समझ में आपको कंसेप्ट दोनों? यस। नाउ योर लास्ट पार्ट इज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और यहाँ पे हल्का सा हिंट लेक्चर के दौरान मैंने आपको कल दिया था कि इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है। इकोनॉमिक ग्रोथ कौन सा बड़ा टर्म है बताओ तो फटाफट से, वाइडर टर्म बिना आंसर, आंसर देखना नहीं है, ठीक है? आंसर मत देखो यहाँ पे, जल्दी से बोलो। ये लो मैंने टर्न कर दिया, अब बोलो इकोनॉमिक ग्रोथ वाइडर होता है या इकोनॉमिक डेवलपमेंट? कंफ्यूज मत होना बेटा, इकोनॉमिक ग्रोथ सिर्फ इकोनॉमी में ग्रोथ कब होगी, जब नेशनल इनकम बढ़ेगा। इकोनॉमी में कभी ग्रोथ होगी, जब नेशनल इनकम बढ़ेगा तब हम बोलेंगे कि भाई इकोनॉमी में ग्रोथ हुई है। और डेवलपमेंट मतलब पूरे एस्पेक्ट में हर एक सेक्टर इकोनॉमी का डेवलप होना चाहिए, चाहे वो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर हो, चाहे वो आपका एजुकेशनल सेक्टर हो, हेल्थ सेक्टर हो, इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, ट्रांसपोर्ट सेक्टर हो, टूरिज्म सेक्टर हो, ठीक है? हर एक सेक्टर जब डेवलप हो जाएगा तब हम बोलेंगे कि भाई इकोनॉमी मस्त से इकोनॉमी डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है? हमारी इकोनॉमी में खूब सारा डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है? हम गुजरात में रहते तो ऐसे ही बोलते हैं ना यार, गुजरात में तो मस्त डेवलपमेंट हुआ है, ऑटोमेटिक बसेस हो गई है वहाँ पे, है ना, लोकल ट्रेन जैसी बसेस है वहाँ पे, आप देखना कभी अगर आप लोग जाते होंगे तो, ठीक है? तो हम नॉर्मली ये वर्ड यूज लोगों को यूज करते सुनते हैं हम लोग मोस्टली, कि भाई गुजरात का डेवलपमेंट बहुत अच्छा है, महाराष्ट्र में थोड़ा कम है, गुजरात बहुत जल्दी डेवलप हो गया, अहमदाबाद बहुत जल्दी डेवलप हो गया है, ठीक है? तो जल्दी से आ जाओ, फटाफट से क्विकली देख लेते हैं हम लोग कि इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है। इकोनॉमिक ग्रोथ इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नेशनल इनकम, नेशनल इनकम के टर्म्स में, मैडम वही जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, यस वाइज। नेशनल इनकम क्या होता है बताओ फटाफट से, इट इज द एग्रीगेट मॉनेटरी वैल्यू, वापस से मेरे साथ में बोलेंगे सब, इट इज द एग्रीगेट मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते, मतलब कॉटन की प्राइस नहीं लेना, शर्ट की प्राइस लेना, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज लेना, ठीक है? तो इट इज द मॉनेटरी एग्रीगेट मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, ठीक है? तो इट इज टर्म, इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नेशनल इनकम, नेशनल इनकम के टर्म्स में होता है, एंड पर कैपिटा इनकम, एंड पर कैपिटा इनकम। मैडम ये पर कैपिटा इनकम क्या होता है ये तो आपने नहीं बताया। पर कैपिटा इनकम होता है पर हेड एक इंडिविजुअल की इनकम, पर पर्सन की इनकम, कि एक पर्सन एवरेज ऑन एन एवरेज वो कितना कमाता है, ठीक है? वो होता है पर कैपिटा इनकम, ऑलराइट? जैसे मान लीजिए ऑन एन एवरेज इंडिया के लोग 2000 रुपए कमाते हैं, तो ये 2000 रुपीज हो गया है, मतलब ये एवरेज इनकम हो गई, ठीक है? एवरेज हम ऑन एन एवरेज बोल रहे हैं कि एक पर्सन इंडिया में 2000 रुपए कमाता है,
तो ये हो गया है पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम। अभी समझ में आया पर कैपिटा इनकम क्या आता है? तो इकोनॉमिक ग्रोथ किसके टर्म में होती है? एक तो नेशनल इनकम और एक पर कैपिटा इनकम के टर्म में होती है। ठीक है मैडम, पर कैपिटा इनकम कैसे निकालते हैं? आ जाओ, टोटल जो भी आपकी नेशनल इनकम है ना, पूरे इंडिया की इनकम, पूरे नेशन की इनकम, उसको डिवाइडेड कर दो, डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ पॉपुलेशन। इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है उसे डिवाइड कर दो, तो वो आ जाएगा आपको पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम एक इंडिविजुअल की इनकम, ऑन एन एवरेज एक इंडिविजुअल कितना कमाता है। ठीक है, बट मैम इस नेशनल इनकम में इंडिया के सारे लोगों की इंडिविजुअल ऐड हुई क्या? कितने लोग टैक्स की चोरी करते हैं? पूरी लोग थोड़ी ना अपना ट्रू इनकम बताते हैं, तो इसलिए तो बोला बेटा एवरेज, ऑन एन एवरेज। ठीक है, पर कैपिटा इनकम एक एवरेज है, एक हम ऑन एन एवरेज बोल रहे हैं कि एक इंसान ऑन एन एवरेज 2000 रुपया कमाता है। ठीक है, यस आई अग्रीड। तो वो हम लोग हमारे नेशनल इनकम के चैप्टर में डिटेल में देखेंगे। ठीक है, चलो इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। जब एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बहुत अच्छा होगा, जब इंडस्ट्री का प्रोडक्शन बहुत अच्छा होगा, जब ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। मैडम इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ह्यूमन भी आते हैं क्या? क्यों, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ? इकोनॉमिक्स में आप क्या करते हो? वी स्टडी इकोनॉमिक एक्शंस एंड बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। याद आ रहा है? इकोनॉमिक्स क्या? इट इज द इकोनॉमिक एक्शन, इट इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एक्शन एंड बिहेवियर ऑफ ह्यूमंस। ऑलराइट, तो यहाँ पे क्वालिटी ऑफ ह्यूमन भी आएगा। ठीक है, ये नैरो कंसेप्ट होता है, ये ब्रॉडर कंसेप्ट होता है। इकोनॉमी में ग्रोथ पॉसिबल है विदाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, लेकिन इकोनॉमिक में डेवलपमेंट इकोनॉमी के ग्रोथ के बगैर पॉसिबल नहीं है। मैडम ये लाइन मतलब, ये तो हमें समझ में आ गया, ये छोटा कंसेप्ट है, ये क्वांटिटेटिव है, ये ब्रॉडर है, ये क्वालिटेटिव है। मैम एक डाउट है, ये क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव है ना, ये भी नहीं समझ में आया हमें, क्या क्या दिक्कत है? मैं बताती हूँ ना, क्वांटिटेटिव क्या होता है? क्वांटिटेटिव क्वांटिटी के टर्म्स में, इनकम के टर्म्स में बताना, और क्वालिटेटिव मतलब भाई क्वालिटी कैसी है ह्यूमंस की, ह्यूमंस की क्वालिटी मतलब लोगों के रहने का, रहन सहन का क्वालिटी कितना है, कैसा है। देखो क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, हम यहाँ पे क्वालिटेटिव एस्पेक्ट भी स्टडी करते हैं, है ना, कि ह्यूमंस की के लाइवलीहुड की क्वालिटी क्या है, वो अपना क्या बोलते हैं, अपना स्टेटस कैसा मेंटेन करता है। ठीक है, तो क्वालिटी, तो दिस कंसेप्ट इज ब्रॉडर एंड क्वालिटेटिव। ठीक है, ऑलराइट। अब थर्ड पॉइंट है हमारा, इकोनॉमिक ग्रोथ इज पॉसिबल विदाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अरे भाई नेशनल इनकम नहीं भी बढ़ी तो भी एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप हो रहा है, एग्रीकल्चर में बहुत अच्छा काम कर दिया है। ठीक है, उसके बाद में इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत डेवलप हो रहा है, क्या फर्क पड़ता है? नेशनल की, नेशन की इनकम नहीं बढ़ रही है लेकिन सारे सेक्टर तो डेवलप हो रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल मैम, इकोनॉमिक ग्रोथ पॉसिबल है विदाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है इकोनॉमिक ग्रोथ के अलावा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज नॉट पॉसिबल विदाउट इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब इकोनॉमी में डेवलपमेंट इकोनॉमिक के ग्रोथ के साथ ही होगा। मतलब जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, जब सारे सेक्टर्स डेवलप हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो जाएगी, समझा? अरे ऑब्वियसली ना, जब एग्रीकल्चर सेक्टर, सारे सेक्टर डेवलप हो जाएंगे तो इकोनॉमिक में ग्रोथ भी होगी। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ सिर्फ नेशनल इनकम के बारे में स्टडी करता है, बताता है, और पर कैपिटा इनकम, इनकम इनकम पे फोकस करता है। तो ये यूनि डायमेंशनल है, इसका एक ही डायमेंशन है, यूनिडायमेंशनल, सिंगल डायमेंशनल कंसेप्ट है ये मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट है, क्योंकि ये एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी, इंडस्ट्रियल की प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, टूरिज्म सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन, सारे सेक्टर्स देखता है ये मल्टी डायमेंशनल है, सब सब इधर इधर सब। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ इज स्पॉन्टेनियस रिवर्सिबल, मतलब नेशनल इनकम बढ़ भी सकती है, एकदम से बढ़ भी जाती है जल्दी से, और कम भी हो जाती है, लेकिन इकोनॉमी में डेवलपमेंट हो गया, एक बार रोड रेलवे ट्रांसपोर्ट सब मस्त हो गया, तो वो इररिवर्सिबल है, वो इररिवर्सिबल है। एटलीस्ट अगले 10 सालों तक तो वो रोड्स खराब नहीं होंगे, वो इररिवर्सिबल है। इकोनॉमी में डेवलपमेंट हो गया तो वो इररिवर्सिबल है, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ रिवर्सिबल है, वो स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ इज रिलेटेड टू इकोनॉमिक एस्पेक्ट ओनली,
सिर्फ इकोनॉमिक एस्पेक्ट कंसीडर करता है, मनी मनी, सिर्फ पैसा पैसा, इनकम इनकम, नेशनल इनकम, पर कैपिटल इनकम एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इट इज रिलेटेड टू ऑल द एस्पेक्ट्स, चाहे वो इकोनॉमिक एस्पेक्ट हो, सोशल एस्पेक्ट हो, पॉलिटिकल, सारे एस्पेक्ट की स्टडी करना, सारे एस्पेक्ट को डील करना इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहलाता है। एंड इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक एस्पेक्ट की, नेशन में इकोनॉमिक मतलब मनी, नेशनल इनकम पर कैपिटल इनकम कितना है, ठीक है? तो हियर वी वर, चैप्टर नंबर 1 का पूरा रिवीजन कंप्लीट, आपको डिटेल में मैंने कंसेप्ट भी समझाया है। जिस तरह से मस्ती से हम लोग रेगुलर लेक्चर्स में पढ़ते हैं उतना ऐसे स्टेप बाय स्टेप डिटेल में नहीं हो पाया है, बट आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आए होंगे। वन सेकेंड, यस, हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम। कोई भी डाउट्स है टिल हियर? यस, एनी काइंड ऑफ डाउट, कोई भी डाउट है अभी तक? तो कल हम लोग चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, तो फटाफट से आज ये चैप्टर लर्न करना, सारे डाउट्स लेकर आओ, ठीक है? कल आपके सारे डाउट सॉल्व करते हैं, ठीक है? यस, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज, ठीक, चलो।